गीता धन राजन द्वारा लिखित लापता साबुन का रहस्य, जिसका चित्रांकन किया है शुद्ध सत्व बसु और चार्वाक दीप्ता ने। जयंत दक्षिणपुर का एक दयालु सरपंच था, बच्चों को बहुत प्रिय और बड़ों को भी। दक्षिणपुर का गांव खुशहाल चेहरों से भरा था, सभी लोग सुखी और स्वस्थ थे। वे मन लगाकर काम करते और खाली समय में दोस्तों के साथ मजे करते, पर सब बदलने वाला था सब कुछ। बहुत बहुत दूर जन्म ग्राम की सुनसान पहाड़ियों के पीछे, पतली कुबड़े चांद के नीचे, दुष्ट असुर तोबा का ची चक्कर काट रहा था, आगे पीछे पीछे आगे। उसकी थुलथुली बाहें उसकी पीठ के पीछे बंधी थी और उसके माथे पर गुस्से की लकीरें कड़क रही थी। तोबा काची शैतानी षड्यंत्र रचने में व्यस्त था। मैं भारत का राजा बनना चाहता हूँ, वह गुर्राया, मुझे फौरन कोई सुझाव दो, वरना मैं तुम्हारी हड्डियों की चटनी बना दूंगा। चर्मासुर थरथराने लगा। कुछ समय सोचने के बाद चर्मासुर को एक तरकीब सूझी। महाराज, वह कपकपाती आवाज में बोला, मेरे पास एक योजना है। जल्दी बताओ, तोबा काची उतावला था। कोरोना कीटाणुओं की सेना घबरा रही थी। आखिरकार जर्मासुर सहमते हुए बोला, महाराज आप जानते हैं कि हम कीटाणु कितने दुष्ट होते हैं और इतने छोटे कि हमें कोई देख नहीं सकता और इतनी शांत कि हम बहुत आसानी से मानव के शरीर में घुस सकते हैं। तो तोबा काची अपनी डरावनी आवाज में गर्जा, जैसा कि आप जानते हैं महाराज कि हमारे यह नन्ही दोस्त कोरोना वायरस भारत में बीमारी फैलाने का काम शोर शोर से कर रहे हैं। तो तोबा काची चिल्लाया, जल्दी बताओ वरना। महाराज, चर्मासुर बुदबुदाया, हमारे दोस्त उन लोगों पर हमला करते हैं जो लोग अपने हाथ साबुन से नहीं धोते। अगर लोग अपने हाथ साबुन से न धोएं, अपने चेहरों को अपने गंदे हाथों से छुएं और फिर लोगों के बीच जाकर छींके या खांसे, तो सोचिए क्या हो सकता है। तबाही, महामारी। तोबा काची की आंखें खुशी से चमक उठी। और अगर हम साबुन ही गायब कर दें तो हमारी कोरोना कीटाणु सेना सभी लोगों को बंदी बना लेगी और आप बन जाएंगे भारत के राजा। जर्मासुर चहका, हा हा हा। तोबा काची की हंसी जर्म ग्राम की पहाड़ियों के बीच गरजने लगी। और फिर वैसा ही हुआ जैसा कि जर्मासुर ने सोचा था। कोरोना कीटाणुओं की सेना ने भारत के सबसे खुशहाल गांव दक्षिणपुर पर हमला बोला। जयंत और गांव के सभी बच्चे खेल खत्म करने के बाद हाथ धोने गए, पर यह क्या, साबुन गायब था। गांव के सभी लोगों ने खोज शुरू की, यहां देखा वहां देखा, सब जगह देखा, खांसते छींकते आछू आछू। साबुन खोजते खोजते वे सब लोग अपना बुखार खांसी बहती नाक भूल गए। साबुन के बिना तो सब बीमार हो जाएंगे, सबके सब तमाशा चिंतित थे। गांव से सभी साबुन गायब थे। आहा, तोबा काची बोला अपने हाथ रगड़ते हुए, देखो यह लोग कितने मूर्ख हैं, खुद ही बीमारी फैला रहे हैं एक दूसरे के चेहरों पर खांस कर और छींक कर। जल्द ही गांव के सभी बच्चे जयंत के घर पहुंचे। हमारे माता पिता बीमार हैं, हर कोई बीमार है, उन्होंने कहा, कृपया हमारी मदद करें। दक्षिणपुर की एक दोस्त थी तमाशा, उसने तोबा काची और उसकी वायरस सेना को अपना काम करते देखा था, उसे जल्द ही कुछ सोचना होगा। तमाशा ने लक्ष्मी और दूसरे बच्चों से कहा, जयंत को एक बड़ा सुझाव दो, हम क्या कर सकते हैं। लक्ष्मी एक निडर लड़की थी, वह दयालु थी,
उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की थी। दक्षिणपुर में सभी लोग उसे प्यार करते थे। हम साबुन बना सकते हैं, लक्ष्मी ने सुझाया। साबुन बनाना आसान है, लक्ष्मी की एक दोस्त ने कहा, याद है हमने इसके बारे में किताब में पढ़ा था। तमाशा मुस्कुराई, इसी कारण तुम बच्चे रीडर लीडर हो, वह बोली। जल्द ही लक्ष्मी और उसके दोस्तों ने लोगों को साबुन बनाना सिखाया और यह भी कि वायरस सेना के खिलाफ लड़ाई कैसे जीती जा सकती है। गांव के लोग उत्साह से मुस्कुरा उठे और पूरे गांव ने थैले भर भर कर साबुन बनाए और हाथ धोए। और फिर जब कोरोना कीटाणु सेना हमला करने आई तो वह दंग रह गई। गांव में उन्हें एक भी गंदा मैला हाथ नहीं मिला। तोबा काची और उसके दुष्ट कीटाणु वहां से भाग खड़े हुए, दूर बहुत दूर। शाबाश लक्ष्मी, शाबाश, दक्षिणपुर जयंत ने कहा अपनी खुशी से खनखनाती आवाज में। थैंक यू।